हाय दोस्तों, मैं हूं प्रसन्नजीत और आप देख रहे हैं इजी एक्सेल। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे किस तरह से गेट पाइवट डेटा, जो एक ऑप्शन है पाइवट टेबल का ही, जिसकी वजह से पाइवट टेबल के ऊपर कोई भी फंक्शंस एप्लीकेबल नहीं होता है, तो ये गेट पाइवट डेटा को किस तरह से डिजेबल किया जाता है, वही आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के। वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग एक पाइवट टेबल क्रिएट करेंगे। मेरे पास यहाँ पे एक तो डेटा है, अभी मैं इंसर्ट पे जाऊंगा, प्राइवेट टेबल, और मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए प्राइवेट टेबल क्रिएट हो गया हम लोग का। ठीक है, अभी सिटी को हम लोग रोज़ पे लाएंगे और अमाउंट को वैल्यूज़ पे लाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक प्राइवेट टेबल क्रिएट हो गया। अभी फील्ड को मैं हाइड कर देता हूँ। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे कोई एक फंक्शन लगाते हैं जो कि है रैंक। ठीक है, रैंक लगाते हैं। अभी रैंक में नंबर ये दे दिया मैं। ठीक है, देखिए फिलहाल मैं सिलेक्ट तो किया ये B4, देखिए यहाँ पे सिलेक्ट हो गया A3, और देखिए यहाँ पे आ गया गेट प्राइवेट डेटा। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से दिख जाए। तो देखिए जैसे ही मैं फंक्शन यहाँ पे डाला, तो देखिए यहाँ पे गेट प्राइवेट डेटा बोल के यहाँ पे आ जा रहा है। तो बेसिकली इसको ही हम लोग यहाँ पे डिजेबल करेंगे, और इसकी वजह से प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है, प्राइवेट टेबल के ऊपर हम लोग कोई भी फंक्शन नहीं लगा पाते हैं। ठीक है, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। चलिए सबसे पहले इस सेल को मैं सही कर देता हूँ, मैनुअली B4 कर देता हूँ इसको मैं। ठीक है, B4 कर दिया, अच्छा सॉरी B4, अभी मैं इसको B4 कर दिया। ठीक है, और ये जो फिक्स किया हुआ है तो डॉलर साइन को हटा देता हूँ ताकि ये फिक्स ना रहे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आके कॉमा लगाएंगे और पूरा रेंज यहाँ पे चूज करेंगे, जो कि रैंक फंक्शन का डालने का ये तरीका है, रैंक फंक्शन। ठीक है, अभी हो गया, इसको ओके कर देता हूँ। तो देखिए हालांकि यहाँ पे देखिए क्या करता है, बेसिकली जो रेंज मैंने सिलेक्ट किया उस रेंज में ये वैल्यू कितने नंबर पोजीशन पे है, कितना रैंक है इसका, यही दिखाता है। तो देखिए यहाँ पे ये 1 आ गया, हालांकि यही सबसे बड़ा अमाउंट है, यहाँ पे जितने भी सारे अमाउंट्स हैं उनमें से यही सबसे बड़ा है, तो ये 1 नंबर दिखा रहा है। ठीक है, तो अभी देखिए इसको मैं अगर नीचे ड्रैग करूँगा तो देखिए यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, सारा एन ए आ जाएगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पे मैं रेंज को फिक्स नहीं किया, फिर भी अगर मैं रेंज को फिक्स कर देता हूँ यहाँ पे, तो देखिए फिर भी यहाँ पे एन ए ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे गेट प्राइवेट डेटा है हम लोगों की फंक्शन में, जो कि अगर हम लोग हटा दिया तो ये देखिए सारा 1-1 आ गया। ठीक है, सारा 1-1 आ गया, मतलब हम लोगों की फंक्शन में ये गलती हो गया। अभी देखिए क्या गलती हुआ यहाँ पे, देखिए जो गेट प्राइवेट डेटा, इसी की बात मैं बार बार कर रहा हूँ, इसको अगर हटा दिया तो ये फंक्शन सही तरीके से, सिर्फ यही नहीं जी, जो भी फंक्शन आप डालोगे यहाँ पे सारा सही तरीके से काम करेगा। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से हटाया जाता है। सबसे पहले हम लोग इसको जूम आउट कर देते हैं। ठीक है, तो और इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को दिखे। ठीक है, अभी मैं प्राइवेट टेबल को सिलेक्ट करूँगा ताकि प्राइवेट टेबल के ऊपर बेस करके जो दो ऑप्शन यहाँ पे एनेबल होता है वो आप लोगों को दिख जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो दो ऑप्शन होता है एनालाइज और डिज़ाइन, अगर आपके यहाँ पे एनालाइज डिज़ाइन नहीं आ रहा है तो सुबह शायद यहाँ पे ऑप्शंस बोल के एक ऑप्शन आएगा एनालाइज की जगह पे। ठीक है, और ये मैंडेटरी है कि आपको प्राइवेट टेबल के ऊपर ही सिलेक्ट करके कोई सेल रखना होगा, तभी ये आएगा। अगर मैं बाहर रखूँगा तो ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन डिजेबल हो गया। ठीक है, तो दोस्तों प्राइवेट टेबल के ऊपर ही कोई सेल सिलेक्ट करके रखना होगा, तभी आएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग जाएंगे एनालाइज पे। ठीक है, एनालाइज पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे एक ऑप्शन है प्राइवेट टेबल बोल के, यहाँ पे छोटा सा देखिए एरो ड्रॉप डाउन का जो सिंबल है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और इसके बाद ये खुल गया। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, ऑप्शन लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके देखिए बगल में ये ड्रॉप डाउन ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं देखिए यहाँ पे आ गया जेनरेट गेट प्राइवेट डेटा, तो ये अभी एनेबल किया हुआ है, यहाँ पे देखिए टिक मार्क लगा हुआ है, तो मतलब ये एनेबल है अभी हम लोगों की प्राइवेट में। ठीक है, तो हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिए ये अभी डिजेबल हो गया है दोस्तों, अभी ये गेट प्राइवेट डाटा हम लोग की प्राइवेट में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए अभी फिर से एक बार हम लोग देखते हैं यहाँ पे फंक्शन लगा के क्या होता है। तो सारे फंक्शन यहाँ पे डिलीट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, अभी मैं डिलीट कर दिया। अभी यहाँ पे मैं फिर से रैंक एक फंक्शन लगाऊंगा जो कि है रैंक। ठीक है, ये नीचे वाला, उसके बाद इसको मैं चूज़ करूँगा और ये रेंज चूज हो गया, और इसको फिक्स कर देंगे। ठीक है, और मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। अभी देखिए मैं इसको अगर नीचे ड्रैग करूँगा तो देखिए सारा एकदम सही तरीके से यहाँ पे रिजल्ट आ गया, सबका रैंक दिखा दिया। सबसे कम जो है शिमला का सेल था 36,000, तो जिसकी वजह से इसका 9 नंबर है रैंक, तो ये सही तरीके से आ गया। ठीक है, अभी इसके ऊपर आप वीलुकअप भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मेरा एक तो रेडी किया हुआ है डेटा, इसी डेटा के ऊपर मैं ये सिटी वाइज यहाँ पे अमाउंट डाल के रखा हूँ, जोड़ के रखा हूँ अमाउंट। ठीक है, तो मैं अभी क्या करूँगा, इस सिटी के ऊपर वीलुकअप लगा के मैं यहाँ से ये सारे अमाउंट यहाँ पर लाऊँगा। जिन लोगों को नहीं पता है ये चीज़ बहुत ही काम का चीज़ है,
जिन लोगों को बहुत ऐसे टाइम आता है जब हम लोगों को पाइवेट टेबल के ऊपर ऐसे बहुत सारा फंक्शन अप्लाई करना होता है, तो गेट पाइवेट डेटा की वजह से नहीं हो पाता है। तो ये गेट पाइवेट डेटा के अगर एक बार आप डिजेबल कर दोगे तो बहुत आसानी से आप कोई भी फंक्शन यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे कि मैं देखिए यहाँ पे वी लुकअप लगा रहा हूँ, ठीक है, तो वी लुकअप मैंने यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद मेरा सीट टू में ये डेटा रेडी किया हुआ है, ठीक है, रैंडमली है, सेम नहीं है ये। इसका देखिए कटक चेन्नई कोलकाता है, मैं दिखा देता हूँ वहाँ पे जाके। फिलहाल मैं यहाँ पे फंक्शन लगा लेता हूँ सबसे पहले, ओके। उसके बाद मैं डालूंगा टू, क्योंकि दो नंबर कॉलम से हम लोगों को डेटा चाहिए। उसके बाद जीरो, अभी मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर दबाता हूँ। देखिए चेन्नई कटक कलकत्ता है, और यहाँ पे देखिए कटक चेन्नई कोलकाता, मतलब ऐसे मैंने एक तो एग्जांपल दिखा दिया आप लोगों को कि ये रैंडमली है, सेम सीक्वेंस में नहीं है। फिर भी देखिए जैसे मैं वी लुकअप लगाता हूँ, सारे का सारा डेटा यहाँ पे आ गया, इवन एक्यूरेटली आ गया। कैसे पता चल रहा है, एक बार क्या क्रॉस चेक कर लेते हैं, दिस माइनस दिस, ठीक है। अब इसको एंटर लगाता हूँ, देखिए जीरो, सब जीरो आना चाहिए तब जाकर मिलेगा। तो देखिए सारे जीरो आ गया, मतलब सारे सही सही अमाउंट यहाँ पे वी लुकअप लगा के हम लोग लाए, ठीक है। तो सब कुछ ठीक तरह से आ गया यहाँ पे वैल्यू। तो दोस्तों इस तरह से आप बहुत आसानी से गेट प्राइवेट डाटा को डिजेबल करके प्राइवेट टेबल के ऊपर कोई भी फंक्शन आप अप्लाई कर सकते हो। अगर गेट प्राइवेट डाटा यहाँ पे इनेबल किया हुआ है, आपके प्राइवेट में कोई भी फंक्शन आप नहीं लगा पाओगे, हर एक फंक्शन में गेट प्राइवेट डाटा आ जाएगा और वो सही तरीके से काम नहीं करेगा दोस्तों। बस दोस्तों यही था, इसी तरह से आप गेट प्राइवेट डाटा को डिसेबल कर सकते हो। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के सारे साथ ये शेयर कीजिए वीडियो, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ आपसे ना छूटे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जो हम लोग क्लासिक डिस्प्ले यहाँ पे बनाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे प्राइवेट टेबल में ऑप्शन में जाके यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले में जाके यहाँ पे जो करते हैं क्लासिक प्राइवेट लेआउट जो करते हैं हम लोग, ये कैसे बाय डिफॉल्ट बनाया जाता है, मतलब जब भी आप प्राइवेट टेबल लगाओगे वो क्लासिक प्राइवेट लेआउट पे ही वो क्रिएट होगा। यहाँ पे आपको मैनुअली वो लेआउट चेंज करना नहीं होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो लाऊंगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे एक नया फंक्शन के साथ, नया आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।